देखिए, मैंने जैसा कहा कि मेरे पास में जीविकोपार्जन का साधन मेरे पास सिर्फ शिक्षकीय मेरा पद ही था जिससे मेरे परिवार का उदर पोषण मैं करता था। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जिस गेस्ट की हम बात कर रहे हैं, बैतूल हरदा हर्षद संसदीय क्षेत्र से मध्य प्रदेश के हमारे बीच आने वाले हैं लोकप्रिय सांसद श्री दुर्गादास उइके जी। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। आज हम आपसे बात करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, बैक स्टोरी के बारे में, आपकी संघर्ष की कहानी आपके द्वारा आपके माध्यम से अपनी ऑडियंस तक और इस देश के हर युवा तक ले जाना चाहेंगे। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में और आपका धन्यवाद करते हैं आपके समय के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल जर्नी की, किसी सफ़र की, जो आपका राजनीतिक सफ़र संघर्षों का रहा है, तो सर सफ़र की शुरुआत बचपन से होनी चाहिए। तो सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मेरे पिताजी मूलतः शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय में। जी, हमारे पिताजी के साथ में पाँचवीं तक मैं अपने घर पे रहा। उसके बाद में छठवीं कक्षा से छात्रावास में, जो हमारे जनजाति समाज के बच्चों के लिए छात्रावास, तो विजयग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल जी, जो भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में है जी, वहाँ मैं छठवीं से लेकर ग्यारहवीं तक मैंने विद्या अध्ययन किया जी। और छात्रावास में रहते हुए मैं सचिव से लेकर जी छात्रावास के प्रबंधन में मेरी भूमिका रही जी। फिर विद्यालय में उस जमाने में चुनाव हुआ करते थे, तो मैं अपने विजयग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल में पहली बार मैं विद्यालय का अध्यक्ष चुना गया मैं जी। उसके बाद में ग्यारहवीं पास करने के बाद में मैं बैतूल जयवंती अक्सर महाविद्यालय में मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया जी। और वहाँ सभी प्रकार की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में मैं सम्मिलित रहता रहा हूँ जी। एनसीसी में भी मेरी सहभागिता थी, खेलकूद में मैं लगातार रहता ही था, छात्रावास में, पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में लगातार दो वर्षों तक मैं प्रेसिडेंट रहा। इस तरह से धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई जी। और शासकीय सेवा में आने के बाद में मैं लगभग 7-8 शासकीय नौकरियां मैं कर चुका। अच्छा अच्छा, नौकरी भी किया। हाँ, किंतु एक प्रकार से जनसेवा की भावना मन में रही निरंतर। मैं 1984 में संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। अच्छा। और 1984 में ही मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उनसे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। तो अनवरत संघ की शाखाएं और संघ के विविध दायित्वों का निर्वहन करते हुए, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के संस्थापक, शांति कुंज हरिद्वार में लगातार मैं 3-3 महीने के प्रशिक्षण सत्रों में आते रहा हूँ, तो मैं मूलतः जनजाति समाज का हूँ मैं। तो मैं स्वयं ही यज्ञ करने लगा, यज्ञ वगैरह सारे कर्मकांड, फिर भाषण संभाषण की मैं कक्षाएं लेता था। अच्छा। इसी बीच में मैं शिक्षक बना फिर। अच्छा, टीचर। शिक्षक बनने के बाद में जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संघ शिक्षा द्वितीय वर्ष तक मेरा शिक्षक बना जी। और मेरी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 5,000 से ऊपर मैंने 1 कुंडी 5 कुंडी ऐसे यज्ञों का संचालन किया पूरे इसमें। और गायत्री परिवार की जितनी भी गतिविधियाँ थी जी,
लोक रंजन से लोक मंगल की दिशा में जी। तो मैं अनवरत में बुरी थी उन्मूलन से लेके जी नारी उत्पीड़न और अनेक अनेक ऐसे सामाजिक बिंदु थे जिसमें मैं लगातार काम करते रहा हूँ जी। और इसी बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सामाजिक समरसता मंच है, धर्म जागरण है जी। हमारे वनवासी कल्याण आश्रम में लगातार मैं लगभग 10-12 वर्षों तक मैं जिले का अध्यक्ष रहा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, इसका मैं प्रदेश का लगभग 8 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। मध्य प्रदेश की मैं प्रांतीय सचिव रहा। फिर सागर संभाग और भोपाल संभाग का प्रभारी रहा। और इसी के साथ में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश का, जिसमें मैं उसका मेंबर रहा। इस तरह से शासकीय सेवा में तो था ही, मैं शिक्षक था जी। शिक्षक की सेवा करते हुए भी मैं पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से अपने कार्य के साथ में जो कुछ समय बचता रहा मेरे पास जी, वो मैं संघ के ईश्वरी कार्य और गायत्री परिवार और अन्य जितने भी समाज से सरोकार रखने वाले कार्यक्रम हैं उसमें मेरी सहभागिता, समाज के सुख और दुख में मैं लगातार रहा। मैं मतलब कोई आशा अपेक्षा से नहीं कि मुझे सांसद बनना है या कुछ जी। ये तो अचानक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, इन सबके संगठन की कृपा से मुझे साथ की सेवा में रहते हुए मुझे सांसद का टिकट मिला। और सर आपको अप्रोच किसने किया था टिकट के लिए जब आपके पास आया? देखिए मेरा कोई अप्रोच वगैरह कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा संगठन है जी, मैं संगठन के लिए प्राणपण से जुटा रहा। मेरे लिए संगठन जी, जैसा कि हमारे संस्कारों में हमको सिखाया गया जी कि संघ कार्य ईश्वरी कार्य है। हमने भगवान की सेवा जानकर समाज में हमारा जन्म क्यों हुआ, तो इसका जो एक प्रकार से मेरे को बाल्यकाल से ही किया, मरने के पहले कुछ अच्छे काम कर पाऊँ तो उन्हीं लोगों को याद किया जाता है। बाकी तो सब कुछ यहाँ छोड़ के जाता है व्यक्ति जी। मेरे मन में ये हमेशा रहा कि जो भी काम करो अच्छे करो, उत्कृष्ट कार्य करो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शक के रूप में लोग याद करें। तो मैं गांधी जी और तमाम छायाचित्रों को मैं ऐसा छात्रावास में देखता था कि यार ये हमारे उईके ध्रुवे सरयाम सिरसा में कोई प्रत्यक्ष में रिश्तेदार तो नहीं, पर यार फोटो क्यों लगा रखा अपन ने? फोटो इसलिए लगा रखा कि उन्होंने समग्र जीवन अपना जनहित के लिए जिया, लोक मंगल के लिए जिया, अच्छे से अच्छे कार्य किए इन्होंने। तो उनके घर से बाहर निकल कर वो राष्ट्र स्तरीय विश्व स्तरीय व्यक्तित्वों में वो तब्दील हो पाए, तो मैं भी उस मार्ग का अनुसरण करता हुआ लगातार अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, अपना चिंतन चरित्र व्यवहार उत्कृष्ट हो, सकारात्मकता को जीवन में धारण करते हुए लगातार प्रकाश की ओर बढ़ने का स्वभाव, लगातार प्रकाश की ओर बढ़ने का स्वभाव रहा। और हमारे अग्रजों ने संगठन के जो हमारे शीर्षस्थ जो हमारे अग्रज हैं उन लोगों की अनुकंपा से ये पावन अवसर, ये सेवा का मिला है। हमारे संगठन में ये पद नहीं है, ये दायित्व है जी। सांसद का दायित्व हमारे अग्रजों ने दिया है, भाई सांसद बन के एक बड़े भूभाग पे आप काम करो, समाज की सेवा करो। इस निमित्त जिम्मेदारी को 14-15-18 घंटे रोज जितना अधिकतम जनहित के लिए अपना समय दे सकते हैं, ऐसा मनोभाव बनाकर लगातार भगवान के काम में जुटे हुए हैं। सर राजनीति को लेके आपके मन में, आपके जीवन में पहली बार रुचि कब बनी कि हाँ मुझे राजनीति में आना चाहिए? देखिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा का माध्यम है बिल्कुल, और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश होकर आप विधानसभा में लोकसभा में प्रत्यक्ष जो आप चाहते हैं कि समाज में क्या बदलाव होने चाहिए, कि जो कमियां हो कैसे दूर हों, तो आप इन पदों के माध्यम से,
इन दायित्वों के माध्यम से आप समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, अच्छे नियम, अच्छे कानून समाज के लिए बने। इस तरह से एक मन में उत्कंठा तो थी ही कि कोई बदलाव करना है तो उसमें राजनैतिक क्षेत्र में जाकर एक अच्छी भूमिका के साथ में आप अच्छा काम आप कर सकते हैं। सर, जब आपने राजनीति में रुचि बनाई, राजनीति में आ गए, आप सक्रिय रूप से राजनीति करने लगे, तो सर परिवार का क्या, आपके परिवार का क्या सहयोग था आपकी राजनीति में? उन्हें पसंद था या वो मना करते थे कि राजनीति में नहीं जाना? देखिए, मेरे पास तो मेरी नौकरी ही मेरी जीविका का साधन था, मेरे पास कोई दूसरा कोई ये नहीं था। सर नौकरी क्या करते तो थे? तो मैं शिक्षक था। अच्छा, मैं भी तो मेरी धर्मपत्नी और सब कहते थे कि भाई अरे नौकरी चली जाएगी तो कहाँ कैसा जीवन चलेगा। पर वो अचानक टिकट मिला जी। और नौकरी करते हुए ही मैंने इधर इस्तीफा दिया सास की सेवा से और इधर सांसद का फॉर्म भरा और लगातार परमात्मा के कार्यों से जुड़ा रहा, जिससे मैं मेरी लोकसभा में आज़ादी के बाद में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड मेरी लोकसभा में बना और मेरे सब बैतूल, हरदा, हरसूद जी, मध्य प्रदेश की जनजाति सुरक्षित लोकसभा है जी, तो अपार जन समर्थन मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई और बहनों ने दिया और उसकी वजह से मैं ये सांसद बन के उनकी सेवा में तत्पर हूँ। सर, जब पहला चुनाव लड़ा आपने, नौकरी छोड़ चुके थे आप और पहला चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो सर मन में डर था कि ये चुनाव ही है जो है, या फिर चुनाव में हार होगी जीत होगी, उस टाइम पे क्या मन में क्या था? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता जी, चुनाव लड़ता है संगठन जी, चुनाव लड़ता है पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी। भाजपा में प्रत्याशी भूमिका दूल्हे की तरह होती है। तो मैं तो सिर्फ खड़ा था, मेरे बराती साथ हाँ, पावन पवित्र संगठन के मेरे सारे भाई बहन मेरा नेतृत्व कर रहे थे जी। और इतने दिनों की अनवरत संघ साधना और समाज में जो निकटता थी, आत्मीयता थी, उसके आधार पर मुझे 100% विश्वास था जी। कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के भाई बहन मुझे जरूर सेवा का अवसर देंगे। उन्होंने सेवा का मौका मुझे दिया और मैं भी चाहता हूं कि उनको किसी भी मोर्चे पे, किसी भी एंगल से मैं उनको निराश नहीं करूंगा। इस वादे और अपेक्षा के साथ लगातार मैं लगा हुआ अपने काम में। सर, आरएसएस से जुड़े रहे आप, तो आज आपको भाजपा में सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो सर भाजपा में आने के लिए या भाजपा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए, नेता बनने के लिए आरएसएस से होना कितना ज़रूरी है? देखिए, आरएसएस तो भाई हमारी मातृ संस्था है जी, हमारी माता के समान जी, हमारा वो मातृ संगठन है और ये सारी उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं जी, और वहीं से वो संस्कार मिलते हैं राष्ट्रभक्ति के जी, जी, देशभक्ति के, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की जननी है जी, और वहीं से राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जी, जी, श्रद्धा भाव का जागरण होता जी, है और लगातार अपने राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने की दिशा में, अपने राष्ट्र को हर तरह से संपन्न, समृद्ध और बलशाली बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है जी, इस नाते लगातार सेवा कार्यों में लगे रहने की वजह से जी, ये अवसर मिला उसमें जी, और किसी भी व्यक्ति को जो लगातार अपने सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, जनता के सुख और दुख से सरोकार रखते हैं जी, अपना चिंतन चरित्र व्यवहार समाज के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है, आपकी कथनी करनी में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है जी, तो स्वमेव आपका विश्वास समाज में बढ़ता है, लोकप्रियता छुप के नहीं रहती, वो तो सभी दिशाओं में जी, कहते हैं कि भाई फूलों की खुशबू तो किसी एक दिशा में चलती है तो हवा के, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति के जो गुण है जी, वो चारों दिशाओं में
फैलते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें रही अच्छे कामों को करने की वजह से, ये पावन अवसर सेवा का मुझे मिला है। सर, लोग कहते हैं कि जब हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं या चुनाव की बात करते हैं तो सर धन की बहुत आवश्यकता होती है चुनाव के दौरान। पहला चुनाव, अच्छा पहला चुनाव आप लड़ चुके हैं, तो सर चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है या लोगों के सहयोग की ज़्यादा आवश्यकता होती है? आप हमें भली भांति बता सकते हैं, आप बताइए सर। देखिए, मैंने जैसा कहा कि मेरे पास में जीविकोपार्जन का साधन मेरे पास सिर्फ शिक्षकीय मेरा पद ही था जिससे मेरे परिवार का उदर पोषण मैं करता था। किंतु जैसे ही मुझे टिकट मिला तो मेरे पास कोई धन राशि तो कुछ भी नहीं थी जी। जनता ने ही मुझे, मैं ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जी। धन नहीं अपितु जनता का अपार जन समर्थन और आशीर्वाद की आवश्यकता रहती है जी। और हमारा संगठन लगातार हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जी। का जो अंत्योदय है जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास जी। हर प्रकार से उसको सुखी समृद्ध कैसे बना सकते हैं जी। इस पावन पवित्र भावना के साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार जनता के सुख और दुख में लगा रहता है। उसकी वजह से हमारे सभी बंधु बांधवों का जो प्यार है अंतिम व्यक्ति तक है जी। और अंतिम व्यक्ति की दुआएं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ में है, जिसकी वजह से व्यक्ति गौण हो जाता है जी जी। और संगठन सर्वोपरि हो जाता है बिल्कुल। और संगठन की जो प्रतिष्ठा है अंतिम व्यक्ति तक, उनके सेवा कार्यों की जो खुशबू है जी। उसको देखकर बगैर धन के भी व्यक्ति क्या है कि चुनाव जीत सकता है जी। और भारतीय जनता पार्टी तो देवताओं का परिवार है जी। और संसार का सबसे बड़ा 20 करोड़ जी जी। सदस्यों वाला राजनैतिक दल है जी। और आपने देखा होगा कि हमारे इस पावन पवित्र दल में जी। परिवार भाव के साथ में सब रहते हैं, सारे परिवार के हैं, छोटे बड़े का मान दान सम्मान। उसकी वजह से अभी तक कोई बिखराव कोई टूटन हमारे संगठन में नहीं आई है, क्योंकि हमारे संगठन में राष्ट्र सर्वोपरि है। हम अपने देश के लिए जीते और मरते हैं, हमारे लिए अपना राष्ट्र सर्वोपरि है। जो भी करेंगे अपने राष्ट्र के भलाई के लिए करेंगे। उसके बाद हमारा संगठन आता है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर पे आता है व्यक्ति का व्यक्तिगत हित। तो बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि कहीं व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचने के लिए फुर्सत मिले, अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के चिंतन मंथन अपनी गतिविधियों में, और अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, अपने समाज को हम कैसे उत्कृष्ट समाज बना सकते हैं। अभी आपको पता है कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हम मना रहे हैं। ये अमृत काल है भारतवर्ष का जी, जी। इसमें आज़ादी के इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, यह आत्मसमीक्षा और आत्ममंथन का कालखंड है। जो पूर्व में त्रुटियां हुई हैं उसको सुधारने की संकल्पना के साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए, और आगामी 2047 में हमारा ये भारत कैसे होगा, ऐसी सुखद आशावादी कल्पनाओं के साथ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, अपनी कमियों को दूर करते हुए और अच्छाइयों को जोड़ते हुए भारत को सर्वसमर्थ बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर हमारे राष्ट्रीय शिखर पर स्थापित हमारे आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी तक सारे लोग इस महाअभियान में, इस महासाधना में प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और आपके लिए कितनी खास रही? देखिए, मेरी अपनी मान्यता है जी। कि ऐसे महापुरुष जी यदा कदा जन्म लेते हैं जी। और मैंने उनके बारे में जितना भी पढ़ा था जी।
और गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री बने प्रथम बार, और उन्होंने जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में गुजरात को विकसित राज्य बनाया, और जिधर भी देखो उधर गुजरात की बातें होती थी कि वहाँ की सड़कें देखो, वहाँ का विकास देखो, वहाँ के सारे तंत्र देखो, किस तरह से भारतवर्ष का सर्वाधिक विकसित प्रांत यदि कोई है तो वो गुजरात है, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये सौभाग्य गुजरात को मिला है। और दूसरा उन्हीं सौभाग्य से वो देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। तो उनकी जो सृजनात्मकता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति उनका अथाह प्रेम है, उसकी वजह से आज जो भारत राष्ट्र की चतुर्दिक सीमाओं से लेकर और वैश्विक पटल पर भारत की जो प्रतिष्ठा विकसित हुई है, और हम निर्यात के क्षेत्र में भी विविध क्षेत्रों में आज हम समृद्ध हो रहे हैं विदेशी मुद्रा की दृष्टि से, भारत का औद्योगिकरण बहुत तीव्र गति से हो रहा है, और समाज का जो अंतिम सिरे पे जो बैठे हुए लोग हैं, समाज है, वर्ग है, उनकी जिस तरह से उनके नेतृत्व में चिंता हो रही है, उससे देश के अंदर में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि भारत का नेतृत्व कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई न कोई ऐसी दैवी एक कृपा प्राप्त कोई दिव्य पुरुष भारत का नेतृत्व कर रहा है। ये आस्था श्रद्धा का भाव धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में विकसित हो रहा है, और उसको अनुभव भारत के ही लोग नहीं अपितु विश्व के अन्य अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके उनका जो उनके प्रति श्रद्धा भाव है। और एक वो गुजरात से निकलकर राष्ट्रीय क्षितिज पर और राष्ट्रीय क्षितिज से एक विश्व नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो हम सब गौरव से अभिभूत है कि एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व के आभा मंडल में हमको रह के काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, और जितने भी ऐतिहासिक कार्य संपन्न हो रहे हैं हम लोग भी उसमें सहभागी हैं, ये उनकी और भगवान की कृपा मानकर हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमको काम करने का, उनके कालखंड में काम करने का, उनके साथ में काम करने का अवसर भगवान ने हमको दिया है। सर आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर आपका अपना तजुर्बा संगठन में बहुत अच्छा रहा है, संगठन में विभिन्न पदों पे आपने काम करा है, जमीनी स्तर पे आपने काम करा है, तो सर आप अपनी एक्सपीरियंस अपनी इस जर्नी से जो लोग राजनीति में रुचि बना रहे या युवा रुचि बना रहे, सर उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? देखिए मैं तो सारे जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आने के इच्छुक हैं जी, उन सारे भाई बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है जी। भारत माता का जयकारा एक संपूर्ण मंत्र है जी। हम लोगों से कहते हैं कि भाई भारत माता की जय अर्थात भारत में जितनी पावन पवित्र नदियां बह रही हैं उनकी जय हो जाती जी। भारत माता की जय बोलने का मतलब है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जो भी इस मातृ भूमि की गोदी में हैं उनका जयकारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत भारत माता का जयकारा बोलने का अर्थ है कि हम अपने सारे पूर्वजों की जय हो जाती है जी। सारे पूर्वज या तो मुट्ठी भर राख में या मुट्ठी भर मिट्टी में इसी धरती में समाहित है जी। और हम और सब लोग जो है एक दिन इसी मिट्टी में इसी माँ की गोदी में विलीन हो जाते हैं जी। जब भारत माता का जयकारा बोलते हैं तो सारे पूर्वजों की जय हो जाती है। इस भारत भूमि में जितनी भी पावन पवित्र नदियां बह रही हैं जिनको माँ के रूप में जिनकी वंदना करते हैं, तो भारत माता की जय बोलने से सारी पावन पवित्र नदियों की जय हो जाती है। भारत माता की जय जब बोलते हैं तो जितने भी 12 जागृत ज्योतिर्लिंग है भारत भूमि में, उन जागृत ज्योतिर्लिंगों की जय हो जाती है। भारत भूमि में 52 शक्तिपीठ हैं जो हमारे शक्ति और आराधना के केंद्र हैं। भारत माता का जयकारा बोलने से इन
चैतन्य और जागृत तीर्थ हमारे शक्ति केंद्र, उनकी उनकी जय हो जाती है। तो भारत माता, ये मातृभूमि के प्रति यदि अगाध श्रद्धा यदि है तो इस क्षेत्र में आकर राष्ट्र को सर्वोपरि स्थान रखते हुए यदि इस दिशा में जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि जनता से स्वाभाविक रूप से उनका सरोकार रहेगा ही। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन है कि समाज के अंतिम सिरे पर जो समाज है, लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम अपने प्राणपन से क्या कर सकते हैं ताकि वे भी जो पीछे रह गए हैं, जो समाज, जो व्यक्ति, उनको बराबरी में हम कैसे ला सकते हैं, उनके जीवन से दुखों का कैसे हम निवारण कर सकते हैं। इसके साथ में हमारा चिंतन, चरित्र, हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति से ओतप्रोत करते हुए सेवा परमो धर्म का पावन लक्ष्य लेकर यदि इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि ये सारी बातों पर यदि उनका ध्यान होगा और वे इस दिशा में कुछ करने की पहल उनके चेतना में, मन में होगी तो उनको इस क्षेत्र में जरूर आना चाहिए। सर, लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन और लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है, आपके समय के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।